ओके, वेलकम टू यू एवरी पार्टिसिपेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ हिमांशु अग्रवाल एंड आई एम अ MIS ट्रेनर एंड IT ट्रेनर एंड साइबर क्राइम एक्सपर्ट सो सिंस 5 ईयर. सो आज हम लोग ये सेशन सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र थाने इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं इस संगठन में मैं एक्स NYV रह चुका हूँ. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन में जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ आप सभी लोगों का वेलकम ही है सेशन में, ठीक है. तो आज का जो विषय है हमारा क्या है, आपने बैनर में देखा रहेगा कि साइबर क्राइम क्या है, ठीक है. तो अगर आपको, और ये जो सेशन है डियर, ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलूँगा और आप सिर्फ सुनोगे, ठीक है. अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप बिंदास ये सेशन में पूछना, ठीक है. क्योंकि ये जो विषय है, ये विषय आज के डेट में, मतलब आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो मेरी आवाज़ क्लियर आप तक पहुंच रही है, तो एक बार आप सब लोग यस कर देंगे तो फिर मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगा. हेलो, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? यस सर. ओके, सो शैल आई स्टार्ट दिस सेशन? ओके, तो आज हम लोग ये सेशन एक PPT के माध्यम से समझेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप से होते हैं. अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेने वाले हैं और साइबर लॉ क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है. सो शैल आई स्टार्ट दिस सेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रेजेंट माई PPT. मेरा स्क्रीन आपको सब लोग को प्रॉपर दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर. हाँ दिखता है. ओके, वेरी गुड. चलिए सबसे पहले मुझे बताइएगा आप सब लोग, आपको जितना पता होगा आप सब लोग मुझे बताइएगा कि ये साइबर क्राइम क्या होता है. व्हाट इज अ साइबर क्राइम? आप सबको जितना पता है आप उतना बताइए कि साइबर क्राइम क्या होता है. गलत. साइबर क्राइम ये होता है, हाँ, जो गलत पोस्ट डालना. सबसे पहले आपको आपका नाम बताना है, ठीक है. आप कहाँ से ज्वाइन किए हो वो बताना है, ठीक है. फिर आप आंसर दीजिए, ठीक है. चलिए बताइए. हाँ बताइए, साइबर क्राइम क्या होता है? हेलो, माय नेम इज शिवानी कुमारी, मैं पटना से हूँ. ओके, साइबर क्राइम एक इलीगल एक्टिविटीज होता है जिससे सभी डाटा को हैक कर लिया जाता है. ओके, जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं इंफॉर्मेशन ये सब हैक कर दिया जाता है. ओके, एनीवन एल्स, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ बोलिए. बीच में कोई फ्रॉड होता है साइबर क्राइम. हाँ क्या होता है साइबर क्राइम? करना चाहिए ऐसा करना नहीं चाहिए. हाँ हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. साइबर क्राइम दूसरों को पैसे से मुड़पना, यानी कि पैसे से कोई भी काम कर देना ऐसा. साइबर क्राइम बैंक में पैसे चोरी करना. ओके, पैसे चोरी करना. ओके, अरविंद आता नहीं आता मुझे बात करना, मगर पता था. ओके ओके, वेरी गुड. और क्या स्क्रीन आप सबको प्रॉपर दिख रहा है? हेलो 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 गाइस. हाँ दिख रहा है. हाँ प्लीज सब yes, लोग तो, हाँ सब लोग यस करेंगे क्योंकि ये yes. हाँ ये इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं बोरिंग लेक्चर होना चाहिए क्योंकि ये आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताऊंगा कि साइबर क्राइम एक्टिविटी, कुछ लोगों ने बोला कि अनलीगल एक्टिविटी होता है इंटरनेट पर, ठीक है. देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि साइबर क्राइम क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ और फिर हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो देखिए साइबर क्राइम बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों ने सही बोला कि साइबर क्राइम एक क्या होता है, इनलीगल एक्टिविटी होती है. बट इनलीगल एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है ये हमें नहीं पता होता है, और वो जो साइबर अटैकर होता है वो कैसे अटैक करता है आपको, ठीक है. तो इसके बारे में आपको बचना है. जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड. हेलो
हेलो। बेटा चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि साइबर क्राइम जो है ये क्या है। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी? बोलो। यस सर, हाँ यस ठीक है, सर। व्हाट्सएप का हाई पार्ट वन। ठीक है, तो बेसिकली देखिए साइबर क्राइम क्या है कि साइबर क्राइम आल्सो कॉल्ड ए कंप्यूटर क्राइम यूज द कंप्यूटर एज इंस्ट्रूमेंट फॉर द लीगल एंड्स। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताऊंगा कि बेसिकली साइबर क्राइम होता क्या है। ठीक है, इंटरनेट इंटरनेट एक देखा जाए तो समुद्र के जैसा है। ठीक है, इस पे बेसिकली जितने भी अनलीगल एक्टिविटीज है, ठीक है, इंटरनेट का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। साइबर और क्राइम और साइबर लॉ, इसके बारे में आपको ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉ क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ये तीनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अनलीगल एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि अनलीगल एक्टिविटी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, हम लोग एक एक करके समझेंगे। और साइबर क्राइम के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब इंटरनेट पे जितने भी अनलीगल एक्टिविटी होता है, आपको इंटरनेट पे जो भी आपको मतलब कोई भी लो मतलब अटैकर जो होता है आपको फंसाता है, ठीक है, आपके साथ तो धोखागिरी करता है, वो सारे अनलीगल एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में हम लोग इसको देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम के। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी थीप होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी थीप होता है, पेनोलॉजिकल ट्रिक होता है, सोशल मीडिया रिलेट अटैक होता है, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड होता है, और अटैक थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन होता है, और वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये साइबर क्राइम के क्या है? टाइप्स है। क्या है? साइबर क्राइम के ये क्या है, बेसिकली क्या है? टाइप्स है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कुछ लोग इसमें ऐड हुए हैं, ऐड कर। एवरी पार्टिसिपेंट प्लीज ऑन योर कैमरा, न्यू पार्टिसिपेंट्स प्लीज ऑन योर कैमरा, जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं वो पार्टिसिपेंट प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। जो अभी न्यू ज्वाइनिंग किए हुए हैं वो प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। न्यू पार्टिसिपेंट्स प्लीज ऑन योर कैमरा गाइस। हेलो मंदा पवार, प्लीज ऑन योर कैमरा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि साइबर क्राइम, मैं आपको बता रहा था कि साइबर क्राइम क्या होता है, जितने भी अनलीगल एक्टिविटी होता है इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आज के डेट में क्या है, सब डिजिटल जमाना है। ठीक है, तो डिजिटल में क्या होता है कि हम लोग अनजाने में भूल कर देते हैं। ठीक है, देखो आपके साथ साइबर क्राइम कब होता है, जब आप अनजाने में क्या करते हो, एक छोटी मिस्टेक करते हो, तभी आपके साथ साइबर क्राइम होता है। और दूसरी बात क्या है, वी आर ऑल आर एजुकेटेड, ओके, आप सब क्या हो, एजुकेटेड हो, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते, छोटी सी भूल कर देते हैं और हम लोग उस क्राइम के शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, साइबर क्राइम होता है। तो इसमें अटैकर क्या होता है कि अटैकर आपको जजमेंट करता है, अटैकर जो भी होता है, जो भी अनलीगल एक्टिविटी करते हैं वो आपको क्या करते हैं, इसको जजमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो जजमेंट करके आपके साथ क्या किया जाता है, वो फ्रॉड किया जाता है। क्या किया जाता है आपके साथ? फ्रॉड किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये एक तो देखो, इस आपके साथ क्राइम और कब होता है, जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है, देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, जब हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, जब हम लोग अनजाने में भूल कर बैठते हैं, तो फिर हम लोग उस क्राइम के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहली बात वैसे नहीं करना करना है। और ये जो सेशन है, ये सेशन आप लोगों के लिए है कि आपको क्या बनना है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना है। क्या बनना है आपको? फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना है। क्यों बनना है फर्स्ट रिस्पॉन्डर? क्योंकि आपके जो भी विलेज हैं, ठीक है, आपको बताना है उनको। ठीक है, क्योंकि अनजाने में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं,
आजकल डिजिटल बहुत ही वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो डिजिटल एक्टिव होने के कारण वो क्या होते हैं, मोबाइल से अटैचमेंट होता है, तो उनको पता नहीं होता है, ठीक है, ऐसे क्राइम के बारे में। तो आपको सबसे पहले उनको बताना है, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, हेलो प्रदीप कुमार सर, आई एम ऑडिबल। हेलो प्रदीप कुमार सर, आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो मंदा पवार, आई एम ऑडिबल। हेलो प्रदीप कुमार सर, आई एम ऑडिबल। हेलो प्लीज यस या नो, ठीक है। तो जो भी अनलीगल एक्टिविटी होता है वो सारा किस में किया जाता है, इंटरनेट पे आपको अटैकर क्या करता है, अटैक करता है। तो हम भी हम लोग देखने वाले हैं कि साइबर क्राइम के टाइप्स कितने होते हैं और ये इसका एक्टिविटी क्या होता है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है, और इसके साइबर लॉ क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से सीखेंगे कि साइबर क्राइम के बारे में। कोई डाउट है आपको, एनीवन एल्स एनी डाउट, प्लीज टेल मी गाइस। कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है प्लीज, ये सेशन आपका इंटरेक्टिव होना चाहिए। हेलो एनीवन डाउट प्लीज। हेलो कोई डाउट है आपको? ओके नो सर। ओके मेरा स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको प्रॉपर? हेलो माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ? हेलो हेलो गाइस प्लीज टेल मी यस या नो। नहीं। हेलो नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपर? नो सर। नहीं। जस्ट अ सेकंड। ओके जस्ट नो सर। ओके ओके जस्ट जस्ट नहीं दिख रहा है सर। ओके ओके जस्ट अ सेकंड। ओके अभी दिख रहा है प्रॉपर? हेलो हेलो गाइस अभी दिख रहा है प्रॉपर? नहीं अभी देखो। नहीं सर। नहीं सर और तक नहीं। ओके ओके जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड आई एम सेकंड। नहीं। ओके जस्ट अ सेकंड। Just a bit. अभी दिख रहा है आपको प्रॉपर स्क्रीन? हेलो हेलो दिख रहा है सर। दिख रहा है? ओके ओके चलिए अभी हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि साइबर क्राइम क्या होता है, कि साइबर क्राइम जो है आपका अनलीगल एक्टिविटी, जो भी इंटरनेट के थ्रू जो भी आपका अटैकर अनलीगल एक्टिविटी आपके साथ करता है, वो आपके साथ क्या होता है,
तो साइबर क्राइम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले साइबर क्राइम, साइबर लॉ और इसके बारे में, और साइबर सिक्योरिटी ये क्या है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। अब ये दिख रहा है पीपीटी आपको प्रॉपर? हेलो, पीपीटी दिख रहा है आपको प्रॉपर? नो सर। हाँ यस, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे कि साइबर क्राइम क्या है। अभी दिख रहा है ना प्रॉपर पीपीटी? मेरा स्लाइड आपको दिख रहा है सर? पीपीटी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं सर। जस्ट अ सेकंड। नहीं सर। नहीं। ओके जस्ट अ सेकंड। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, यानी कि व्हाइट कलर में दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारा नाम दिखाई दे रहा है। ओके जस्ट अ सेकंड, आई थिंक नेटवर्क इशू। नहीं सर, नहीं दिख रहा। जस्ट अ सेकंड, आई एम चेकिंग माय कनेक्शन। Just a bit. दिख रहा सर अभी? अभी दिख रहा है? दिख रहा सर अभी? दिख रहा, अभी दिख रहा है ना? ओके वेरी गुड, दिख रहा है सर। ओके अभी दिख रहा है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हेलो 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 हेलो, हाँ व्हाट्सएप का मैसेज करो। हाँ सर बोलिए। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बेसिकली साइबर क्राइम जो है ये क्या है। जो भी आपका अनलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू आपके साथ साइबर जो अटैकर होता है आपके साथ अटैक करता है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेट में अभी देखो हम लोग जो भी यूथ जनरेशन है, ठीक है, और ये सेशन का मेन मोटो क्या है कि आप दूसरे को अवेयर कर पाओ, आप दूसरे को क्या कर पाओ, अवेयर कर पाओ, ठीक है। आपको इसके लिए NYKS के तरफ से आपको ये फ्री सेशन कंडक्ट किया गया है, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या है, ठीक है। पहला आपके आपका जो फर्स्ट क्राइम होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी थीफ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेनोलॉजिकल ट्रिक होता है, सोशल मीडिया रिलेटेड अटैक होता है, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड होता है, और अटैक थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन होता है, और वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, इतने टाइप्स के क्या होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं। तो अभी हम लोग आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा ये क्राइम में क्या होता है, कैसे आपके साथ जो साइबर हैकर होता है आपके साथ कैसे क्राइम करता है वो, ठीक है। तो देखो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, साइबर क्राइम कब होता है, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सब क्या है, एजुकेटेड है, ठीक है। बट हमें, हम लोग क्या होते हैं कि बेसिकली इंटरनेट पे हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव होने के कारण हम लोग कोई भी पोस्ट या कोई भी अनलीगल मैसेज को हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं करना है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे कि टाइप साइबर क्राइम के टाइप्स और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी थीफ होता है। पहले क्या होता है आइडेंटिटी थीफ, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, ठीक है। और ये सेशन में अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, अगर आपके साथ भी साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आप प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। फिर मैं आपको उसके ऊपर सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज ये सेशन क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप बिंदास वो शेयर करना, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी थीफ क्या होता है, ये जो क्राइम है बेसिकली आपका जो पर्सनल डेटा है, बेसिकली आपका जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आपका जो भी सपोर्ट डेट आपके पास डॉक्यूमेंट है, अटैकर क्या करता है, वो चुराता है आपके, आपसे क्या करता है, वो आईडी आपका चुराता है और उसका मिस यूज करता है। जैसे कि हम लोग देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग किधर फॉर्म फिलिंग के लिए जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं, ठीक है। हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि ये लड़की जो भी ये गर्ल्स लेडी है ये क्या कर रही है, कैफे में बैठी हुई है, ठीक है। ये अपना मोबाइल फोन, सॉरी ये अपना ईमेल एक्सेस कर रही है, ठीक है। तो ये जो लेडी है ये ईमेल लॉग आउट करना भूल गई,
ये ईमेल क्या करना, लॉग आउट करना भूल गए, तो जो भी थर्ड पर्सन आएगा उसका ईमेल का क्या करेगा, वो मिसयूज कर सकता है। तो आपको इसमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें कैसा हो जाता है कि अगर आप अपना ईमेल किधर भी लॉगिन करते हो तो ईमेल को आपको क्या करना है, प्रॉपर लॉग आउट करना है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जैसे कि आपके साथ आइडेंटिटी थीफ में क्या होता है, जैसे कि कोई बंदा है, ठीक है, सपोज़ कोई फ्रेंड है आपका, ठीक है, वो आपका डेटा क्या करता है, चुराता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके नाम से वो क्या करता है, लोन सैंक्शन करता है, आपके नाम से क्या करता है, वो लोन सैंक्शन करता है, ठीक है। आपका पहली बात, आपका जो भी पर्सनल डेटा है, आपका आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, आपको वो किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि जो भी अटैकर होता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें क्या करता है, वो निकालता है, फिर आपके साथ वो क्राइम करने की कोशिश करता है, फिर आप उसके झांसे में पड़ जाते हो। तो आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें कोई किसी को डाउट है तो प्लीज आप मुझे पूछिए, एनी डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन है, हेलो एनीवन एल्स प्लीज, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेनोलॉजिकल ट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लॉटरी फ्रॉड होता है, लॉटरी फ्रॉड, इसमें दो स्टोरी है, एक लॉटरी फ्रॉड है और दूसरा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड है। तो देखो बेसिकली लॉटरी फ्रॉड क्या होता है, कभी कभी आपको एक मैसेज आता है, ठीक है, आपके सिम कार्ड पे या आपके जो भी कम्युनिकेशन कंपनी है, आपको मैसेज, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, बैंकिंग जो है हैज पर आरबीआई रूल, आपको बैंक कभी भी आपसे पर्सनल डिटेल नहीं मांगती है, आपका पर्सनल आइडेंटिटी आपसे नहीं मांगती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा कॉल आता है कि सर, जो भी आपको अगर कोई भी कॉल आता है बैंक से या जो भी एक्स वाई जेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको उससे कॉल आता है तो आपको बिल्कुल वैसा नहीं आपको रिस्पांस करना है, क्योंकि आप जब रिस्पांस करते हो तो अटैकर क्या हो जाता है, उसका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपको पहले वो मैसेज को क्या करना, आपको इग्नोर करना है, इग्नोरेंस ऑफ मैसेज, ठीक है। तो ये देखो पहले क्या है, लॉटरी फ्रॉड है, तो पहले इसमें जो भी अटैकर है आपको लॉटरी का शिकार बनाते हैं। इसमें देखो बेसिकली जो अभी का करंट डेटा है, इसमें बेसिकली जो भी अटैकर है वो टारगेट उनका क्या रहता है, जो भी टीनेजर है उनका टारगेट वो रहता है, ठीक है। उनका क्या होता है, टीनेजर उनके टारगेट होते हैं, क्योंकि आज के डेट में जितने भी यूथ है वो सब क्या है, मोबाइल एक्टिव है, डिजिटल क्या है, एक्टिव है, तो उनका बेसिकली टारगेट ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें लॉटरी फ्रॉड का चक्कर है, तो लॉटरी फ्रॉड जो है ये तरह का सबसे बड़ा ये साइबर क्राइम है, ठीक है। आपको लॉटरी का मैसेज आता है कि आपको 25 लाख का लॉटरी लग गया एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आपको लॉटरी के फ्रॉड से, लॉटरी के नाम से आपको आपका जो भी पर्सनल डेटा है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका जो भी है एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपसे लिया जाता है, और आपका वो आपसे वो क्या करते हैं, वो डेटा को चुराते हैं, और आप इजिली क्या कर देते हो उससे, आप इजिली क्या कर देते हो, वो डेटा शेयर कर देते हो। तो शेयर करने के बाद फिर आपके साथ वो क्या करते हैं, हम लोग फ्रॉड करते हैं, ठीक है। इसको, इस ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनोलॉजिकल ट्रिक अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड फ्रॉड। तो ये देखो बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड क्या है, इसमें जो भी अटैकर है, ठीक है, आपको मैसेज आता है कभी कभी कि आपको डेबिट कार्ड क्या करना है, रिन्यूअल करना है, आप आपका पिन नंबर बताइए, सीवीवी नंबर बताइए। तो आपको बेसिकली ये आपको नहीं बताना है, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या आपका आधार कार्ड नंबर किसी को भी नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक से क्या होता है, लिंक होता है, बैंक से क्या होता है, लिंक होता है। तो बेसिकली आपको इसमें किसको भी शेयर नहीं करना आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये जो फ्रॉड है, लॉटरी फ्रॉड और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड, या इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फ्रॉड होने वाली गतिविधि है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे फ्रॉड में आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कब होता है, आपका लैक ऑफ नॉलेज के कारण आपके साथ वो फ्रॉड होता है। क्योंकि अटैकर जो होता है, और सबसे ज्यादा फ्रॉड करने वाले कहाँ के होते हैं, किस स्टेट में किया जाता है, झारखंड से, ठीक है, जामताड़ा से क्या किया जाता है, फ्रॉड अटैकर होते हैं। क्योंकि आज के डेट में अगर आप करंट रेशियो देखोगे कि जामताड़ा एक मतलब विलेज है, वहां पर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वहां से आज ये साइबर अटैक करके उनके पास आज गाड़ी बंगला सब कुछ है। तो ये क्या है, आपको वहां से फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां से ही फ्रॉड किया जाता है, इंडिया के किसी भी कोने से फ्रॉड किया जा सकता है, बट शर्त यहाँ पर है कि वहां पर क्राइम रेट ज्यादा है। वहां पर क्राइम रेट क्या है,
ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप शेयर कीजिए डियर। एनी वन एल्स डाउट, कोई डाउट है आपको? हेलो गाइस, हेलो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जॉब, हाँ नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जॉब फ्रॉड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जॉब फ्रॉड, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जॉब फ्रॉड दिया हुआ है। तो अभी जॉब फ्रॉड आपको पता है क्या है, जॉब फ्रॉड इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? एनीवन एल्स? हेलो, जॉब फ्रॉड के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं। हेलो गाइस, जॉब नो सर, ये जॉब फ्रॉड होते हैं सर। हेलो, सुन रहे मेरी बात? यस यस यस, बोलिए बोलिए, जस्ट अ सेकंड गाइस। हेलो, जॉब बोले तो पैसे देके जॉब लगा के देते हैं ऐसा बोलते हैं कोई कोई, पैसे देके जॉब देते बोलते हैं ऐसा बोलते हैं। और क्या होता है, एनीवन एल्स प्लीज टेल मी, और क्या होता है जॉब फ्रॉड में, बताइए। ठीक है, तो देखो अभी आपको मैसेज आता है आपके ईमेल के थ्रू, ठीक है, आपको टेक्स्ट मैसेज किया जाता है कि आपको जॉब हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जॉब के नाम से आपके साथ क्या किया जाता है, साइबर क्राइम किया जाता है, ठीक है। जॉब के नाम से आपको क्या किया जाता है, साइबर, आपके साथ साइबर अटैक किया जाता है, ठीक है। तो अभी के सिचुएशन में ड्यूरिंग टू कोविड 19, ओके, मेरा स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रहा है प्रॉपर? हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, यस सर, हाँ सर दिख रहा है। यस सर, ओके ओके। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल क्या देखा था, आइडेंटिटी थीप देखा था। आइडेंटिटी थीप में आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे चुराया जाता है, और आपका डेटा क्या किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है, आपके डेटा के साथ क्या किया जाता है, छेड़खानी किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो डेटा है, आपका जो पर्सनल आईडी है, वो आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको सिक्योर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखते हैं डियर, टेक्नोलॉजिकल ट्रिक हमने देखा, लॉटरी फ्रॉड के आपके मैसेज आते हैं, आपको लॉटरी लग गया, ठीक है, तो वैसे मैसेज को आपको क्या करना है, इग्नोरेंस करना है, क्या करना है, इग्नोरेंस। फिर आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड है, ये भी आपको क्या करना है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, कितना भी अपना फ्रेंड क्यों ना खास हो, ठीक है, उसको भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये जो है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि उसके फ्रेंड के मन में क्या चालू है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वैसा काम नहीं करना है। इस ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनोलॉजिकल ट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जॉब रिलेटेड फ्रॉड, ठीक है। तो अभी देखो एक बंदा है यहाँ पर जॉब सर्च कर रहा है, पीसी पे बैठ के क्या कर रहा है, जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, और वो बहुत ही एक्साइटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू हम लोग समझेंगे। विक्रांत इज अ बैचलर हु स्टेड अलोंग, ही रिसीव अ ईमेल स्टार्टिंग द हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अ जॉब इन एडवर्टाइजिंग। उसने ईमेल से, उसको एक ईमेल पे मैसेज आता है कि आप इस जॉब के लिए क्या हो, सिलेक्टेड हो गए हो, ठीक है। फिर वो क्या कर लेता है, ईमेल को रिसीव कर लेता है। तो ईमेल रिसीव करने के बाद जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या कर देता है, अपना शेयर कर देता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद उसके साथ क्या किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। इसको बोलते हैं जॉब रिलेटेड फ्रॉड, क्या की करते हैं इसको, जॉब रिलेटेड फ्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूसरा बंदा क्या कर रहा है, विक्रांत अप्लाई फॉर जॉब फॉर फॉलो द मेंशन द प्रोसीजर ही इज प्रोवाइड अ सीवी, ठीक है, इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब में क्या होता है कि आपको जॉब जो है वो आपको लीगल साइट से ही क्या करना है, सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारा लिंक आता है आपके मोबाइल पे, इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको इतना सारा पैकेज मिलेगा। आपको प्रॉपर उस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे ही जाके आपको जॉब क्या करना है, अप्लाई करना है। आपको कोई भी मतलब अनदर लिंक पे आपको क्लिक वगैरह नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारा यूथ जनरेशन इसमें इस झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि आज सबको क्या चाहिए, नीड है, जॉब का नीड है, ठीक है। तो जॉब रिलेटेड फ्रॉड में बहुत सारा जो अटैकर होते हैं ना, उनको बहुत सारा प्रोत्साहन मिल जाता है,
फिर आपसे वो पैसे का डिमांड करते हैं, तो आपको उस झांसे में बिल्कुल ही नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आपको ये सारे ट्रिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वी आर अ यंग जनरेशन, ओके। तो यंग जनरेशन हम लोग ज़्यादा ही मोबाइल में क्या होते हैं, डिजिटली एक्टिव होते हैं, इनके इसके वजह से क्राइम रेट उनका ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों से अवेयर रहना है, और ये सेशन आपको फ्री देने का यही कारण है कि आप एक दूसरे को अवेयर करना है आपको, कि आपको सिर्फ ये लेक्चर आपने सुना है और आप शांत बैठना, आपको आपके अगर आप अच्छे रहोगे तो आपको हैज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इसमें आपको वर्क करना है, हैज अ वॉलंटियर आपको वर्क करना है इसमें, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में नीड है डियर, साइबर क्राइम अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा नीड हो गया है, क्योंकि एवरीथिंग इज नाउ डिजिटलाइज, ठीक है। एवरीथिंग इज नाउ डिजिटलाइज, डिजिटल होने के वजह से, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी था कि डिजिटल इंडिया का सपना था, वो पूरा तो हो रहा है, लेकिन क्राइम रेट भी उतना बढ़ रहा है। तो इस पर आपको फोकस ध्यान देना है, ये चीज़ों से आपको अवगत रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं सोशल मीडिया फ्रॉड। देखिए सोशल मीडिया फ्रॉड, आज के यूथ जनरेशन जो है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो एक्टिव होता है। पहले देखो यहाँ पे क्या है, सिंपैथी फ्रॉड है, नेक्स्ट है रोमांस फ्रॉड है, फिर है साइबर स्टैकलिंग और साइबर बुलिंग। हम लोग एक एक करके देखेंगे सिंपैथी फ्रॉड क्या होता है, रोमांस फ्रॉड क्या होता है, और साइबर स्टैकलिंग क्या होता है, और साइबर बुलिंग क्या होता है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इस फ्रॉड को हम लोग बोलते हैं साइबर मीडिया फ्रॉड, क्या बोलते, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया फ्रॉड। प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेगा आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। एनी वन एल्स, एनी क्वेश्चंस, हेलो, कोई क्वेश्चंस है आपको, हेलो गाइस, एनी वन एल्स, नो सर, ओके, समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चंस है, अगर आपके साथ भी ऐसा no, sir. तो आप अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करना है, ठीक है। तो एनी वन एल्स अगर आप कोई बोलना चाहोगे तो आप बोलिए, ठीक है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो हम उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है होगा तो आप ये आपको वो एक्सपीरियंस को क्या करना है, शेयर करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सिंपैथी फ्रॉड, देखते हैं इसको बोलते हैं सोशल मीडिया फ्रॉड बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपैथी फ्रॉड क्या होता है, आपकी सिंपैथी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या है, एक बंदा है, ठीक है, हम लोग स्टोरी के थ्रू समझेंगे। एक बंदा है, ठीक है, उसको इंटरनेट पे कोई एक ब्यूटीफुल गर्ल उसको मिल गई है फेसबुक के जरिए। सबसे पहले देखिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, ट्विटर यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी पुट नहीं करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो भी जो साइबर अटैकर होता है ना, आपके सोशल मीडिया पे आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है कि वो बंदा पैसे वाला है या गरीब है। कभी गरीब के साथ फ्रॉड हुआ है कि आप सुने हो, नहीं ना। तो सबसे पहले आपका जो भी है फ्रॉड, ये इससे क्या करते हैं, आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उससे आपकी पूरी जानकारी निकालते हैं, फिर आपको क्या करते हैं, वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ठीक है। आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरा सोशल मीडिया पे पुट नहीं करना है, आपका फेसबुक प्रोफाइल हुआ, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हुआ, ठीक है, ये सारे चीज़ों से आपको क्या करना है, अवेयर रहना है, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन से ही हम तक वो साइबर अटैकर पहुंच पाते हैं, ठीक है। और इंटरनेट तो आज एक ऐसा सोर्स हो गया है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एक जरिया बन चुका है, तो आपको ये चीज़ों से क्या करना है, आपको अवेयर रहना है, ठीक है। जैसे कि सिंपैथी फ्रॉड में हमने देखा था कि एक ब्यूटीफुल फीमेल लेडी का क्या होता है, मैसेज आता है, ठीक है। वो बंदा बेसिकली ये जो टीन एजर मतलब यूथ जनरेशन के साथ, इनका टारगेट क्या होता है, यूथ जनरेशन के साथ होता है, ठीक है। तो आपने वो मेल को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है। तो फिर आपके साथ क्या किया जाता है, आपको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है। एक्चुअल में वो गर्ल नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होता है, मेल पर्सन होता है, ठीक है। किसी ब्यूटीफुल गर्ल का क्या करते हैं, वो प्रोफाइल पिक्चर लगा देते हैं और फिर आपके साथ वो मतलब रोमांटिक क्या करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। फिर आप वो झांसे में फंस जाते हो, तो आपको बिल्कुल वैसे फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये जो सिंपैथी फ्रॉड है ना, आपके सिंपैथी, आपका जान मान मतलब आपके जो भी सिंपैथी है, ठीक है, आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसके साथ आपके उस वो प्रॉपर्टी के साथ आपका क्या किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। कि वो बंदा जो है वो कितना पैसे वाला है, उसका पूरा जो अटैकर होता है पूरा जजमेंट लेता है, फिर आपके साथ क्या किया जाता है, वो अटैक आपके साथ किया जाता है, ठीक है। आपको कोई डाउट है, एनीवन एल्स, एनी डाउट,
प्लीज आस्क मी, कोई डाउट है? हेलो? नहीं नो सर, नो सर। ओके, कोई भी डाउट नहीं है? ओके, जितने लोग अभी इस वेबिनार में, जितने लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, प्लीज अगर आपको कोई डाउट रहेगा, आपका एक्सपीरियंस रहेगा, आपको शेयर करना आइडिया, ठीक है? जब आप शेयर नहीं करोगे तो सामने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा कि आपके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, ठीक है? तो आपको शेयर करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, रोमांस फ्रॉड देखते हैं। तो रोमांस फ्रॉड में इसमें भी बहुत सारा आज के डेट में यूथ जनरेशन क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हम लोग इसमें बहुत सारा क्या है, मतलब एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव होने के कारण ये रोमांस फ्रॉड का जो है ना, वो बहुत ही बड़ा एक क्राइम बढ़ चुका है, क्राइम रेट इसका क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है? देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी अटैकर होता है, जो भी ब्लैकमेलिंग होता है, बेसिकली उनका मोटो क्या होता है, पैसा कमाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह है ना, वो आपको क्या करते हैं, ब्यूटीफुल लड़की को क्या करते हैं, आपके साथ अटैक करवाते हैं, ठीक है? तो हम लोग ऐसा लगता है कि वो रियल में है, तो वो रियल एक्चुअल में होता नहीं है। इसको हम लोग जैसे कि ये देखो, ये बंदा जो है ना, ये सपोर्टेड, इसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है इंस्टाग्राम या फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और ये बंदा क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और इसके साथ ये लाइव चैटिंग करता है, ठीक है? तो लाइव चैटिंग में वो लड़की जो है ना, जो भी गर्ल्स लेडी है, वो उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालती है, फिर उसके साथ ये रोमांस की बातें करती है, फिर क्या हो जाता है, वो फ्रॉड हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर उसको वो बंदा क्या हो जाता है, ब्लैकमेलिंग हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है, जो भी कॉलेज स्टूडेंट है, उनके साथ ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है, क्योंकि ये जो अटैकर होते हैं ना, वो सबसे, उनका जो टारगेट होता है वो कॉलेज स्टूडेंट होता है, ठीक है? तो ये आपको बातें ध्यान में रखना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? ये सब क्या है, पैसा कमाने का इनका जरिया है, और आपको ब्लैकमेलिंग करने का क्या है, टारगेट है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, ठीक है? उस तुरंत आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में क्या करना है, आपको कंप्लेन करना है। ऑनलाइन पोर्टल है, मैं बताऊंगा कि कंप्लेन आपको कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है? तो वो सब मैं आपको सारे प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आपका प्रोफाइल वीडियो है, आपका जो भी प्रोफाइल पिक्चर्स है, वो आपको क्या रखना, हिडन रखना है, ठीक है? और जो भी, मुझे बताओ इसमें से कितने लोगों का पब्लिक अकाउंट है और प्राइवेट अकाउंट है, मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे जिनके भी है, कितने लोगों का पब्लिक अकाउंट है इसमें? हेलो, इंस्टाग्राम पे कितने लोगों का पब्लिक है सर, प्राइवेट अकाउंट है? मेरा प्राइवेट है सर। हाँ, क्यों प्राइवेट? प्राइवेट सर, पब्लिक है। क्यों रखा है प्राइवेट? हेलो, बताइए क्यों रखा है प्राइवेट आपने? हेलो, हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल? किसी को जानना नहीं चाहिए इसलिए सर, किसी को दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि थर्ड बंदे को क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ हाँ बोलो। यस, आई एम लेक्चर नाउ, आई एम कॉलिंग, ठीक है? तो ये जो टारगेट होता है ना इनका, मेन क्या होता है, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं ये रोमांस फ्रॉड में, ठीक है? तो आपको ये सारी चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? बेसिकली जो भी मेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको ये सारे चीज़ों से क्या करना है, अवेयर रहना है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं साइबर स्टैकलिंग, क्या देखते हैं, साइबर स्टैकलिंग, ठीक है? साइबर स्टैकलिंग जो है ना, सोशल मीडिया, इसको फ्रॉड बोला जाता है, ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पर एक स्टोरी के सामने मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। प्रीति है जो ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर गर्ल इन द कॉलेज, ठीक है? प्रीति नाम की एक लेडी है, बंदी है, वो कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है? सी इज एक्टिव द मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है? सी इज ओके, सी इज लाइक अ ट्रैवलिंग डिफरेंट सिटीज, उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, ठीक है? प्रीति नाम की लड़की है, उसको घूमना फिरना बहुत ही पसंद है, और मल्टीपल उसके सोशल मीडिया पे क्या है, अकाउंट्स है, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये जो है ना, ये सी ऑलवेज यूज अ चेक इन द फ्यूचर्स, ठीक है? तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स टैग, हम लोग टैग करते हैं, क्या करते हैं, टैग, जैसे कि सपोर्टेड। साइबर स्टैकलिंग में क्या होता है कि हम लोग करंट लाइव लोकेशन डालते हैं, जैसे कि आप किधर घूमने गए, आप डाल देते हो और उसको टैग करते हैं, तो अटैकर को पता चल जाता है कि अभी आप लाइव में कहाँ पर प्रेजेंट हो, आपको बिल्कुल नहीं करना है,
आपको लाइव लोकेशन कभी भी नहीं आपको डालना है, ठीक है। तो लाइव लोकेशन जब आप डालते हो तो इससे क्या हो जाता है कि अटैकर को पता चल जाता है कि आप अभी प्रेजेंट में कहाँ पर मौजूद हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लाइव लोकेशन आपको यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, ऋषि कीप स्टैकलिंग प्रीति टू सोशल मीडिया, वन डे प्रीति डिसाइड टू गो द ऑल्सो स्लो ट्रैकिंग टिप, ठीक है। सी इज अपडेटेड अ प्लान सोशल मीडिया विद द ऋषि, नाउ नो द एंटायर द प्लान। अभी ऋषि जो है ना, ये ऋषि जो बंदा है ये अटैकर है, और वो जो लड़की है वो लड़की के बारे में पूरा वो इन्फॉर्मेशन ये जान लेता है कि वो कहाँ पर घूमने जाती है, ठीक है, उसका कौन कौन से मल्टीपल अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे, और वो टैग करता है। तो उससे वो क्या कर लेता है, फ्रॉड कर लेता है। इसको बोलते हैं साइबर स्टैकलिंग, बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइबर स्टैकलिंग। इस लोक आपको साइबर स्टैकलिंग में आपको यहाँ पर बिल्कुल ही लाइव लोकेशन, आप जहाँ पर अभी प्रेजेंट हो आपको लाइव लोकेशन, हम लोग हमारा आदत होता है कि जैसे कि हम लोग सेल्फी लेंगे और लाइव लोकेशन हम लोग टैग कर देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, ठीक है। तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। ये साइबर बुलिंग तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज के रेट में ये जो है साइबर बुलिंग है ना, ये बहुत ही मतलब एक बोलते हैं क्राइम रेट इसका ज्यादा हो गया है साइबर बुलिंग का। तो देखो साइबर बुलिंग क्या होता है कि जैसे कि सपोर्ट डेट, अभी यहाँ पर एक दिया हुआ है, समीर इज अ इनोसेंट देयर, हाँ अभी देखो एक समीर नाम का बंदा है। अभी हमें बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो मतलब सिंसियर होते हैं, ठीक है, और जो अटैकर होता है ना वो सिंसियर लोगों को क्या करता है, फाइंड आउट करता है। तो उसका क्या करेंगे, साइबर बुलिंग में क्या होता है कि उसका जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो भी उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो उसके विदाउट परमिशन वो क्या कर देता है, उसको वायरल कर देता है, उसको क्या कर देता है, उसको वायरल कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे कि कोई जिम जाता है बंदा, ठीक है, वो बंदे का आदत होता है कि उसको हमेशा सोशल मीडिया पे क्या करना होता है, पोस्टिंग करना होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि हम लोग कोई स्टार नहीं है, ठीक है, तो स्टार नहीं है हम लोग, आपको वैसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आपका जो भी फोटो से आपका जो भी ये है, मतलब जो भी आप वीडियो वगैरह शेयर करते हो, आपको पब्लिकली नहीं करना है, ठीक है। हाँ अगर कोई अच्छा कंटेंट है आप वो शेयर कर सकते हो, कोई अच्छा कंटेंट है आप वो क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो वो बंदा क्या कर, हाँ साइबर स्टैकिंग बुलिंग में एक ये भी होता है कि उसमें आपके साथ जो अनवांटेड मैसेज है, अनलीगल मैसेज है, आपको मैसेज फॉरवर्ड करके आपको क्या किया जाता है, ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोला जाता है कि उसमें आपका फोटोस हो सकता है, आपका अनलीगल मैसेज हो सकता है। आप जैसे कि देखो समीर बाय पोस्टिंग अडल्ट जोक्स एंड हिम, ठीक है, कोई जोक पोस्टिंग करना, अडल्ट जोक पोस्टिंग करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइबर अपराध, ठीक है। तो ये सारे अपराध से आपको बचना है। सबसे पहले अगर आप इस कैटेगरी में अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग क्राइम बोलते हैं, ठीक है। एनीवन एल्स एनी डाउट, कोई डाउट है आपको? ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड है। तो अभी देखो मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड है, यहाँ पर क्या होता है, आपका जो भी वेबसाइट से या मोबाइल एप्लीकेशन से साइबर अटैक यूजिंग इंटरैक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। अभी इन लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एवरीवन यूजिंग अ एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन, ओके। तो अभी एप्लीकेशन में भी क्या होता है, कोई लिंक आता है आपको, ठीक है, वो अनवांटेड लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे कि देखो ये जो लेडी है, ये डॉक्टर को बोली आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अभी ये नहीं पता होगा उसको कि ये जो एप्लीकेशन है ये साइबर अटैकर ने बनाया हुआ है, हैकर ने बनाया हुआ है। तो जैसे आप वहाँ पर, हाँ जब आप किसी भी एप्लीकेशन को वहाँ पर डाउनलोड करते हो तो आपको एक परमिशन मांगता है, ठीक है। जब भी आपको परमिशन करता है तो पूरा यस नहीं करना है, आपको पूछता है कि आप सब आपका गैलरी एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। तो ये सारे परमिशंस आपको क्या करना है, डीएक्टिव करके रखना है, ठीक है। तो आपको वैसा कुछ नहीं करना, अनवांटेड एप्लीकेशन को आपको, अनवांटेड एप्लीकेशन को आपको इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं होना है और ना ही उसको ज़्यादा डाउनलोडिंग करना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों से आपको क्या करना है, अवेयर होना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड बोला जाता है, ठीक है। अनवांटेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, अनवांटेड साइट्स को विजिट करना, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, साइबर अपराध होता है, अनवांटेड अगर आप साइट्स को विजिट करते हो।
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो वो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड में डिजिटल पेमेंट यूपीआई पेमेंट में भी क्या होता है, फ्रॉड किया जाता है। ठीक है, आपको यूपीआई शेयर, मुझे बताइए कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग सब लोग गूगल फोन यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, ठीक है, तो सब लोग यूपीआई पेमेंट करते हो। तो ये बैंकिंग फ्रॉड में कभी भी बैंकिंग आपसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं एज पर आरबीआई रूल। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, नियर बाय ब्रांच में आपको कॉन्टेक्ट करना है अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि साइबर अपराध कब होता है, जब आप उससे अवेयर नहीं रहते तब आपके साथ क्या किया जाता है, साइबर अपराध किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है, एनी वन एल्स क्वेश्चन? हेलो हेलो गाइस, एनी वन एल्स? हेलो, ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हैकिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट ड्यू टू वीक पासवर्ड। देखिए, आपको सबसे पहले पासवर्ड सिक्योरिटी रखना इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी वीक पासवर्ड नहीं रखना है, क्योंकि जो अटैकर होता है ना, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो चेकिंग करके पासवर्ड को क्या करता है, वो ट्रैक करता है। ठीक है, तो आपको वीक पासवर्ड नहीं रखना है। पासवर्ड कैसे रखना है उसका भी मैं आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, पासवर्ड सिक्योरिटी का मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, साइबर सिक्योरिटी में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वीक पासवर्ड के वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं। तो आपको कभी भी वीक पासवर्ड नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आपका जो भी पीसी है, आपका जैसे कि कोविड वायरस है, तो वैसे भी क्या है, ये कंप्यूटर वायरस है, इसको एक्सटर्नल डिवाइस को क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में जो भी लिंक वगैरह आपको मिलता है, तो आप जैसे कि आपको गूगल मीट का लिंक मिलता है, कभी कभी अटैकर क्या करता है कि आपको लिंक शेयर करता है, आपको ऐसा लगेगा वो जेन्युइन है, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि देखो, आपको कोई ऑफर आता है कि अमेजोन पे अगर आप लोगे तो आपको इतना ऑफर मिलेगा, तो वो जो भी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री का फेक वेबसाइट बना के आपको लिंक शेयर करते हैं, ताकि आपको 100% वो जेन्युइन लगे, फिर आपके साथ क्या किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है HTTPS, इस प्रोटोकॉल का ही क्या करना है, आपको यूज करना है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ये जो हाइपर टेक्स्ट जो भी ये प्रोटोकॉल है, HTTP, जो भी वेबसाइट जो है आगे HTTPS लगा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो होता है वो डेटा सिक्योर रखता है, ये मिडल वे पर्सन को एंटर नहीं करने देता है। ठीक है, ये वन वे टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वायरस अटैक में भी आपके साथ आपका जो भी पर्सनल कंप्यूटर है वो क्या किया जाता है, डैमेज किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है डियर, एनीवन रीड? हेलो, कोई रीड करिए इसे। हेलो, आर यू लुकिंग फॉर ए लाइव पार्ट ऑनलाइन? हेलो बॉयज, यस सर। हेलो गाइस, हेलो बॉयज, यस सर। आप प्लीज रीड दिस, यस सर। हाँ, आर यू लुकिंग फॉर अ ऑनलाइन पार्टनर, क्या आप ऑनलाइन पार्टनर ढूंढना चाहते हो? आर यू लुकिंग फॉर ए लाइफ पार्टनर ऑनलाइन? ओके, तो आपको ऑनलाइन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैट्रिमोनियल साइट्स है, ठीक है, आपको फ्रॉड करवाते हैं। ठीक है, आपके साथ क्या किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो आपको मैट्रिमोनियल जो भी साइट से आपको ज्यादा उस पर ये नहीं करना है, सर्चिंग नहीं करना है। ठीक है, जो भी जेन्युइन साइट्स है वो जेन्युइन साइट्स पे आपको वहाँ पर आपको विजिट करना है। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल में भी क्या होता है, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है कि आपको ऑनलाइन पार्टनर हम क्या करेंगे, सर्च करके देंगे, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, आपका पर्सनल जानकारी आपसे लिया जाता है और आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, तो वैसा ये बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, नेवर शेयर द सेंसिटिव पर्सनल फोटोग्राफ, आपको इसमें क्या करना है, आपका पर्सनल फोटोग्राफ शेयर नहीं करना है। ठीक है, सर्टन रिक्वेस्ट फॉर मनी, आप फिर आपके साथ मनी का क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर डीलिंग, आपके साथ डीलिंग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। ठीक है, और जो अटैकर होता है ना, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपको पहले चेक करता है कि आप कितना अमीर हो और कितना गरीब हो, तब आपको आपके साथ फ्रॉड करता है। ठीक है, जो
भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपको सोशल मीडिया पे पूरा अपलोड नहीं करना। हाँ, अगर बिजनेस अकाउंट है तो फिर आप कर सकते हो, कि देखो बिजनेस अकाउंट को है क्यों करेगा वो, और बेसिकली बिजनेस अकाउंट हम लोग पब्लिकली रखते हैं क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए, पब्लिक को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको आपका मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मतलब गर्ल कैंडिडेट है, अपना अकाउंट आप प्राइवेट कीजिए सोशल मीडिया पे, और अनवांटेड पिक्चर्स आप ज़्यादा शेयर मत कीजिए, ठीक है। और जो भी है मतलब जो भी पिक्चर्स है आप अनवांटेड, आपका खुद का पिक्चर या खुद का प्रोफाइल आपको ज़्यादा शेयर नहीं करना है, क्योंकि साइबर अटैक है, कभी क्या आपके साथ हो सकता है आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की कमी होता है, और हम लोग शेयर कर देते हैं और हम लोग उस झांसे में फंस जाते हैं, ठीक है। आपको वैसा बिल्कुल ही नहीं करना है, स्पेशली फॉर गर्ल कैंडिडेट, ओके। मेल का तो ठीक है, लेकिन गर्ल का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ साइबर क्राइम हो चुका है, मैं उसका शिकार हो चुका हूँ, तो मैं क्या, सबसे पहले देखो साइबर क्राइम जो भी मतलब टीनेजर स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता देता हूँ, देखो साइबर क्राइम जब आपके साथ होता है ना, तो आपका मेंटेलिटी, सोचने की क्षमता है ना, आप खो बैठते हो, आपको क्या करना है उस समय आपको नहीं पता होता है, क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज वहां पर नहीं रहता है, आपको आप डरते हो, अरे सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है फ्रॉड, स्पेशली यहाँ पर क्या होता है गर्ल कैंडिडेट के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको वैसा बिल्कुल ही नहीं करना है, सबसे पहले आपके साथ अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको सबसे पहले जो भी आपके नियर क्लोज फ्रेंड है उनको बताना है, ठीक है, आपकी मम आपके पेरेंट्स को बताना है, ठीक है, और इंसिडेंट आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इंसिडेंट आपको क्या करना है, इसको रिपोर्टिंग करना है, जो गवर्नमेंट का साइड है और टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है, या आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको इंसिडेंट रिपोर्टिंग कैसे करना है, ठीक है। और जो भी अगर आपके साथ क्राइम होता है, वो एक एक क्राइम जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड का आपको एसएस निकाल के रखना है, स्क्रीनशॉट आपको निकाल के रखना है, और उसका एक प्रिंटआउट कॉपी भी आपको निकाल के रखना है, ठीक है। क्योंकि अटैकर ने आपके साथ क्या पहले इंसिडेंट क्या था और आपने क्या रिप्लाई दिया, इसके ऊपर भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस जजमेंट करती है, साइबर इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। और पहली बात आपको डरना नहीं है इसमें, क्योंकि देखो आप कब इसमें इस जाल में फंस जाते हो, जब आप डरते हो तब इस जाल में आप फंस जाते हो, आपका मेंटेलिटी चेक किया जाता है इसमें, ठीक है। आपकी सोच, जो भी अटैकर होता है वो सोचने का क्षमता आप खो बैठते हो, तब आप उस झांसे में पड़ जाते हो, फिर हम लोग क्या कर देते हैं, अपना माल और हानि हम लोग गवा बैठते हैं। तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, जो भी NRC साइड है, गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल साइड है, cybercrime.gov.in, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और ड्यू टू अभी साइबर क्राइम होने के वजह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी ऐसा नहीं कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो गया तो आप डायरेक्ट नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाना है, पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है आपको वहाँ पर कंप्लेन, आपका ये जो भी ऑनलाइन जो भी आप फॉर्म फिलिंग करोगे वो ऑनलाइन प्रिंटआउट लेके जाना है, और आपको वैसा वैसा पूरा वहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। एनीवन कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए, मुझे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा अभी तक, एनीवन एल्स, हेलो हेलो गाइस, एनीवन एल्स, नो सर, हेलो, नो सर, कोई भी डाउट नहीं है, हेलो, वन जस्ट अ सेकेंड, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर जॉइनिंग दिस टाइम, देयर आर 9 पार्टिसिपेंट्स आर जॉइनिंग, ओके। मंदा पवार, इफ यू एनी डाउट, हेलो, प्रदीप कुमार, प्रवीण, अरविंद, एनीवन डाउट, एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन है आपको, प्लीज टेल मी, हेलो हेलो, एनीवन एल्स, नो सर, साइबर क्राइम में, नो सर, हाँ बोलिए, हाँ पहले आपका नाम बताना है और आप किस स्टेट से हो,
आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आपको वो बताना है, ठीक है, फिर आप आपका क्वेश्चन आप रख सकते हो। हाँ बताइए, कौन बोल रहा था? हेलो, प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछिए। हेलो हेलो हेलो, एनीवन एल्स? शैल आई कंटिन्यू? हाँ, तुषार, मंदा पवार, अरविंद, प्रदीप कुमार, कोई क्वेश्चन है आपको? हेलो सोहेब? हेलो कैलाश? हेलो सर। हाँ बोलिए प्रवीण। सर ये जो ऑडियो है ये एक बार सुनने दो, क्या है जो? सॉरी सॉरी बोलिए, क्या बोल रहे प्रवीण आप? हाँ सर, ये ऑडियो आपने लगा है ना? हाँ सर, ये जो ऑडियो जो लगा है ना आपने, तो उसे सुनने दो, क्या है? बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ लेकिन आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ, रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरा है हिमांशु ट्यूटोरियल ऑफिशियल, वहां पर ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं है? मुझे क्वेश्चन नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा है यार, इंटरेस्टिंग बताइए, कोई तो क्वेश्चन बताइए मुझे, आपके साथ अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो। हेलो अरविंद, योगिता प्लीज टेल मी, हेलो योगिता आई एम ऑडिबल? हेलो योगिता, हेलो हेलो प्रदीप कुमार, हेलो प्लीज गाइस रिप्लाई मी, हेलो हेलो अरविंद आई एम ऑडिबल? हेलो अरविंद प्लीज। हां सर। हां, एनी डाउट? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके, नो डाउट सर। ओके, डाउट ही नहीं, वेरी गुड। चले इसके एक बार बता देंगे मुझे, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। ओके ओके, चलिए तो मैंने, हम लोग कहाँ पर थे? आपको इंसिडेंट क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो जाता है तो ये टोल फ्री नंबर है, ठीक है, आपको इंसिडेंट क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है, आपको घर में नहीं बैठना है, आपको इंसिडेंट अगर इसमें अगर आप इंसिडेंट रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो पुलिस आपको कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं लेती है फिर, ठीक है, अगर आप लेट कर देते हो तो फिर पुलिस आपका एक्शन नहीं लेती है, तो आपको जितना जल्द हो तो आपको क्या करना है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। और खास करके अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो आपको इमिजिएटली क्या करना है, यहाँ पर पुलिस इमिजिएटली आपको क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है, साइबर स्पेस के लिए क्या करे क्या नहीं करे इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप सबको पता है कंप्यूटर क्या है, ये आप लोग इससे बहुत ही अच्छा जानकारी है आपको, बेसिकली कंप्यूटर हम लोग इजीली क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमेशा देखो बेसिकली जब हम यू आर अ कंप्यूटर यूजर तो हमें नहीं पता होता है, हम लोग बहुत कुछ अनवांटेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग डाउनलोडिंग करके रखते हैं, आपको वैसा नहीं करना है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, हमेशा आपका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ट्रस्टेड एप्लीकेशन होना चाहिए, कोई भी फेक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, वायरस सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में जो भी वायरस वगैरह हैं, जो भी सॉफ्टवेयर वायरस वाले हैं सॉफ्टवेयर, उसको भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। आपका जो भी डेटा है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आपको बैकअप करके रखना है, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, प्रॉपर आपको पासवर्ड को
आपका स्क्रीन लॉक होना चाहिए, आपका जो भी कंप्यूटर है क्या होना चाहिए, स्क्रीन लॉक होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मोबाइल पे भी क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं, तो आपका मोबाइल भी क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। ठीक है, आपका आपका जो भी मोबाइल से जो भी आपका गैलरी है, मोबाइल में क्या होता है बेसिकली गैलरी होता है, तो गैलरी भी आपका क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। आपका व्हाट्सअप क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। ठीक है, देखो साइबर क्राइम कब होता है, जब तक आप खुद गतिविधि आप खुद नहीं करते हो तब तक आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम नहीं होता। ठीक है, आप अगर उसको जितना बढ़ावा दोगे उतना आपके साथ वो क्राइम करते चला जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, नो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर आपका क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और अनवांटेड साइट्स को आपको डाउनलोडिंग नहीं करना है, विजिट नहीं करना है। ठीक है, अनवांटेड फाइल्स को इंस्टॉल नहीं करना है। ये सारे क्या है, बेसिक आपका ये सारे रिक्वायरमेंट है, बेसिक सिक्योरिटी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको कंप्यूटर जैसे मालवेयर, मालवेयर क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है, क्या होता है, एक तरह का स्पैम वायरस होता है। वो वायरस भी आपको क्या करना है, वो वायरस वाले सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। पासवर्ड अगर आपका वीक होता है तो फिर क्या होगा, वहाँ पर अगर आपका पासवर्ड अगर वीक हो जाता है, अगर आपका पासवर्ड वीक हो जाता है तो फिर आप वो पासवर्ड को अटैकर जो होता है ना, वो अटैक करने लगता है। ठीक है, आपका पासवर्ड आपका बर्थ डेट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं, आपको पासवर्ड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, स्पेशल में होना चाहिए, न्यूमेरिकल में होना चाहिए और अल्फाबेट में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पासवर्ड रखना है, और अनवांटेड यूएसबी आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउन ये नहीं करना है, लगाना इंसर्ट नहीं करना है। तो ये सारे क्या आपका बेसिक आपके फंडामेंटल में मैं आपको कवर करता हूँ। नेक्स्ट, आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। पासवर्ड में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, व्यक्तिगत नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो अटैकर होता है ना, वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख के आपको जजमेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपका जो पासवर्ड है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एट द रेट वगैरह, आपका अल्फाबेट भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें होना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर क्या, हाँ, आपको OTP शेयर नहीं करना है। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको प्राथमिक क्या देना है, इंस्ट्रक्शन है आपको। ठीक है, OTP वगैरह आपको शेयर नहीं करना है, आपका आधार नंबर शेयर नहीं करना है। ठीक है, ये सारे बेसिक क्या है, सिक्योरिटी पर्पस आपका ये बेसिक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट पे क्या होता है कि आपका जो अनवांटेड जो भी फाइल्स है आपको वो डाउनलोडिंग नहीं करना है। ठीक है, और जो भी आपका अनवांटेड साइट्स है और जो भी ट्रस्टेड साइट्स है आपको उसको ही विजिट करना है, अनवांटेड साइट्स को आपको विजिट नहीं करना है। ठीक है, ये सारे क्या है, साइबर अपराध आपके साथ हो सकता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, लेन देन, आप जो भी जीपे कर रहे हो, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, आपको उसका UPI पिन नहीं बताना है किसी को। ठीक है, पासवर्ड नहीं बताना है। ठीक है, तो कितना भी हमारा क्लोज फ्रेंड क्यों नहीं हो, आपको उसको शेयर नहीं करना है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है ये हमें भी नहीं पता है। ठीक है, आपको बिल्कुल ही वैसा कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, UPI पिन वगैरह आपको किसको भी शेयर नहीं करना है, ATM पिन शेयर आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इससे अवेयर रहना है। Anyone else doubt? Hello? किसी को कोई डाउट है? Hello? Hello guys, please yes या no? Hello? No. Okay. आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, इंटरेक्शन सेशन नहीं हो रहा है? No sir. हाँ, कुछ भी डाउट नहीं है? पक्का? देखिए गाइस, अगर आप डाउट नहीं पूछोगे ना, वो मन में डाउट होगा आपसे। ठीक है, तो आप डाउट को क्लियर कर लीजिए आप, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, मैं कोई भी चार्जेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आपको ये डाउट पूछना है मुझे, और ये इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको डाउट नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है। ठीक है, चलो, ईमेल सुरक्षा, आपको ईमेल पे क्या करना है, प्रॉपर सुरक्षा रहना, स्पैम मेल को आपको ओपन नहीं करना है। जो भी हानिकारक मेल है,
जो भी कभी कभी ईमेल जो है होता है ना, वो अटैकर क्या करता है कि ईमेल स्पैम करता है, ईमेल के थ्रू आपके साथ क्या किया जाता है, स्पैम किया जाता है, ठीक है, आपको वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं फिशिंग अटैक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिशिंग अटैक। फिशिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोर्टर अगर हमें मछली पकड़ना है तो मछली पकड़ने के लिए हम चारा डालते हैं ना, वैसे आपको जो साइबर अटैकर होता है ना, आपको चारा डालता है और चारे में आप फंस जाते हो, ठीक है। तो आपको उसको उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग अटैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिशिंग अटैक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो एक अटैक मैंने आपको बताया है, ठीक है, पोर्नोग्राफी, ठीक है। तो बेसिकली पोर्नोग्राफी ये किसके साथ होता है, जो भी टीनेजर है उनके साथ ये पोर्नोग्राफी अटैक किया जाता है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं पोर्नोग्राफी अटैक, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। और इसमें क्या ऐसा होता है कि जो भी टीन एजर होते हैं उनको पता नहीं होता है, ठीक है, वो इस जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें से आपको अवगत करना है, आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे, जो भी आपके कलीग्स रहेंगे, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बतानी है, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज है, उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी होता नहीं है, आपको अनवांटेड कैमरा आपको ओपन नहीं करना है। अगर समझो वीडियो कॉलिंग होता है तो वीडियो कॉलिंग पे भी आपको पूरा फेस आपको कैप्चर नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका कोई स्क्रीनशॉट लिया और आपको वायरल कर दिया, ठीक है, और आपके साथ कोई गलत मैसेज कर रहा है तो वो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बताऊंगा मैं, क्रिप्टोग्राफी बताऊंगा। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, जैसे कि सपोर्ट है कोई कॉर्पोरेट है, अभी ये मशीन लैंग्वेज है, समझो मैंने कोई ईमेल लिखा है, ठीक है, अभी समझो एक्स ने वाई को मेल भेजा है, एक्स ने जो है वाई को मेल भेजा है, तो एक्स जो है ना वो क्रिप्टोग्राफी करके मेल भेजेगा, मतलब क्या करेगा वो मशीन, अभी ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब जो हम लोग नॉर्मल मेल लिखते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज, और जो मशीन लैंग्वेज में हम लोग मेल लिखते हैं ना उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी मेल, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी मेल बोला जाता है, मतलब वो मशीन लैंग्वेज में, मतलब उसको जो है ना वो थर्ड बंदा जो भी है उसको रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई भी टेक्निकल पर्सन ही उसको रीड कर पाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी में मेल को क्या करना, शेयर करना, उसको कोई थर्ड पर्सन उस मेल को कोई भी शेयर नहीं कर सकता, ना ही उसको रीड कर सकता, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी बोला जाता है, ठीक है। कोई डाउट है आपको, एनीवन एल्स डाउट बताइए। हेलो नो सर, क्रिप्टोग्राफी के बारे में सिंपल समझना है। ओके, क्रिप्टोग्राफी देखिए बेसिकली क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं मेल पे, ठीक है, या जो भी आप सिस्टम में एक्टिविटी करते हो वो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, ठीक है, और ह्यूमन लैंग्वेज जो है ये इजिली इट कैन बी एनी वन अंडरस्टूड, ओके। अगर वही मैं लैंग्वेज जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज राम, ये ह्यूमन लैंग्वेज होगा, अगर मैं क्रिप्टोग्राफी करके लिखूंगा तो थर्ड पर्सन को नहीं समझेगा, मतलब मैं क्या करूंगा उसको डी एक्टिवेट करूंगा, ठीक है, डी एक्टिवेट करके उसको क्रिप्टोग्राफी में मैं वो थर्ड पर्सन को भेज दूंगा, मतलब वो सिर्फ उसको ही समझेगा, आपको नहीं समझेगा, ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज, क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग लैंग्वेज में उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो साइबर लॉ इन इंडिया, कानून बनाया हुआ है, अगर साइबर अपराध होते हैं तो उसके लिए भी क्या है, कानून है, उसके लिए भी क्या है, कानून है, तो कानून आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग साइबर लॉ देखते हैं कि साइबर लॉ क्या है। व्हाट इज अ साइबर लॉ, साइबर लॉ रेफर्स टू एनी लॉ रिलेटिंग टू प्रोटेक्टिंग द इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन कम्युनिकेशन टू द टेक्नोलॉजी, बराबर, तो जो भी साइबर लॉ है उसको क्या करता है, टेक्नोलॉजी जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, इंटरनेट और ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड ए साइबर लॉ, उसके लिए भी क्या किए गए हैं, कानून बनाया गया है, ठीक है। कभी देखते हैं कौन कौन से मेरे पास बेसिक लॉ है वो मैं आपको बताता हूँ और कितने पेनल्टी है। देखो अंडर सेक्शन आईटी एक्ट 2000 ये आईटी का एक्ट है, ठीक है, सेक्शन 43 में अगर आप किसी का कंप्यूटर डैमेज करते हो, अगर आप किसी का कंप्यूटर क्या करते हो, डैमेज कर देते हो, किसी का कंप्यूटर आप अनवांटेड एक्सेस करते हो, समझो ये पर्सनल कंप्यूटर है, आपने बिना वो पर्सन के परमिशन के बिना आपने उसमें का डेटा कुछ क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, कुछ फाइल्स डिलीट कर दिए, अगर वो बंदे ने एनआरसी पोर्टल पे कंप्लेन कर दिया तो आपको पेनल्टी देखो कितना है, कितना पेनल्टी है, 1 करोड़ रुपीज द पर्सन सो द अफेक्टेड, ठीक है, तो पेनल्टी भी उसको बहुत ज्यादा दिया हुआ है, क्यों,
क्योंकि आप किसी का पर्सनल कंप्यूटर को क्या किए हो, डैमेज किए हो, तो ये भी क्या अनलीगल एक्टिविटी में आता है, ये भी अनलीगल ऑफेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडर सेक्शन 43A में बॉडी कॉर्पोरेट फेलियर प्रोटेक्ट योर डेटा। ठीक है, आप किसी का डेटा चुरा लेते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चुरा लेते हो, ठीक है, किसी का अनवांटेड डेटा आप क्या करते हो उसको एक्सेस करते हो, तो डेटा चुरा के आप उसके साथ मिसबिहेव करते हो, तो वो भी क्या है आपका साइबर क्राइम में आता है। ठीक है, तो ये अंडर सेक्शन 43 में आपको सजा हो सकता है। ठीक है, नॉट एक्सेडिंग 5 crores बट द पर्सन टू द इफेक्टेड। ठीक है, 44 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट अगर आप किसी का डॉक्यूमेंट चुरा लेते हो पर्सनल, ठीक है, आपका मार्कशीट होता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट अगर आप चुरा लेते हो तो वो अंडर सेक्शन 43 में आता है, 44A में आता है। ठीक है, उसके लिए भी ये पेनल्टी है। ठीक है, जिसको भी अगर साइबर लॉ का बुक चाहिए, जिसको भी बुक चाहिए साइबर लॉ का, वो बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे ये ऑफिशियल नंबर जो दिया हुआ है 8796750, ठीक है, 8796750170, ये ऑफिशियल नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो ये आपको बुक पूरा PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन है हिमांशु ट्यूटोरियल IT एजुकेशन, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि उसमें आपको सारी जानकारी मिल पाए। ओके, एनीवन एल्स डाउट, कोई डाउट है गाइस आपको? हेलो हेलो गाइस, हाँ बोलिए। हेलो, 87, हाँ सर नंबर बोलो फिर से, 8796 अगेन 8796750170 1 7 0 ठीक है, ये हाँ आप ये व्हाट्सएप पे मुझे हाई करके भेज दीजिए तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 44 में। सेक्शन 44 में क्या होता है, फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न फिनिश इन्फॉर्मेशन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई कॉपीराइट डॉक्यूमेंट्स यूज करते हो, अगर आपने उसका मिसयूज कर दिया, मिसबिहेव कर दिया, तो फिर भी आपको अंडर सेक्शन 44 में आपको सजा हो सकता है अंडर सेक्शन IT एक्ट 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के दिए हुए हैं, तो बेसिकली देखो आपको अंडर सेक्शन 6 में आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हैकिंग विथ कंप्यूटर सिस्टम डेटा अल्टरेशन, ये अंडर सेक्शन 66 में आता है। ठीक है, इसका कितना 5 ईयर का क्या है आपको सजा है, 5 ईयर का क्या है आपको सजा हो सकता है, और 5 lakh rupees जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो अपने लिए जो यूजफुल है इसमें, तो इसमें आप चीटिंग पर्सनैलिटी यूजिंग द रिसोर्सेज, ठीक है, किसी का अगर आप इन्फॉर्मेशन आप वायरल करते हो तो ये अंडर सेक्शन 66D में आता है। ठीक है, एक्सटेंड 3 ईयर, 3 साल का सजा, प्लस में आपको पे करना पड़ता है 1 lakh rupees आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, उसका वो पेनल्टी होता है, तो ये आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करके भेज देना, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिर देखो अभी हमें जो देखना है ना, अंडर सेक्शन 66E में अगर पब्लिशिंग ऑप्शंस इमेज, अगर आप कोई गलत इमेज शेयर करते हो, ठीक है, कोई अनलीगल इमेजेस आप शेयर करते हो, अगर वो बंदे ने कंप्लेंट कर दिया ना, तो आपको फिर 2 lakh rupees का क्या है आपको फाइन, और 3 ईयर का आपको सजा मिलेगा। ठीक है, सेक्शन IT एक्ट 2000 में। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है अनवांटेड, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 66A में पब्लिशर ट्रांसमिट द सेक्सुअली एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि पोर्नोग्राफी वगैरह, पोर्नोग्राफी किस में आता है, अंडर सेक्शन 66 में आता है। इसको क्या टर्म्स ऑफ में भी एक्सटेंड द 5 ईयर, 5 साल का जेल है, 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हो, बेसिकली हमें इसमें पूरा यूज़ नहीं है। देखो अभी अभी चाइल्ड के लिए जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बोला टीनेजर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो ये अंडर सेक्शन 66B में आता है। ठीक है, अब्यूसिंग द चिल्ड्रन ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह करते हैं, ये अंडर सेक्शन 67B में आता है, अब्यूसिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। ठीक है, तो ये इस सेक्शन में इसको सजा हो सकता है, 10 lakh rupees का क्या है जुर्माना है, अगर वो बंदे ने साइबर पोर्टल पे कर दिया, कंप्लेंट कर दिया, तो वो देखेंगे।
देखो आप इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जितना जल्दी इसमें एक्शन लोगे ना उतना गवर्नमेंट आपके साथ आपके साथ साथ देगी। और जो भी आप इसमें काम मतलब ये करोगे काम करोगे, जो भी आप इसमें रिपोर्टिंग करोगे, आपको पूरा क्या बोलना है ट्रू इन्फॉर्मेशन देना है। क्या देना है? पूरा पूरा का पूरा ट्रू इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आपका वो जो भी डेटा है या अगर आप सपोर्टर हो तो फिर आपको साथ भी क्या हो सकता है फ्रॉड हो सकता है, फिर आपको गवर्नमेंट वहाँ पर आपके साथ देने से वो ना इनकार कर देगी। ठीक है, तो आपको वो सब बिल्कुल नहीं करना है। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, इफ़ यू एनी क्वेश्चंस, अभी हम लोग 10 मिनट का क्वेश्चन सेशन रखते हैं। किसको कोई डाउट रहेगा, किसको कोई क्वेरी रहेगा, ठीक है, हमारे पास साइबर क्राइम का कोर्सेज भी है। ठीक है, डिप्लोमा इन साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम का कोर्सेज भी है। आप इसमें करियर अपॉर्चुनिटी भी आपको है। ठीक है, तो आपको एक एफोर्डेबल हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हिमांशु ट्यूटोरियल आईटी एजुकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए। हेलो, एनीवन एल्स, एनीवन हैज डाउट? हेलो, प्लीज ऑन योर कैमरा एवरीवन। थोड़ा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। कैमरा ऑन कीजिए सब लोग अपना। हेलो, कैमरा ऑन कीजिए गाइस। हेलो, प्लीज एवरीवन ऑन योर कैमरा। ओके, एवरीवन ऑन योर कैमरा। तो आपको इसमें कोई डाउट है? मंदा, हेलो मंदा पवार, एनी क्वेश्चंस? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो तुषार, एनी क्वेश्चन? ओके, एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो तुषार, आवाज आ रही है आपको? ओके, अरविंद, एनी क्वेश्चंस? यस सर, यस सर, आ रही है। हाँ बोलिए अरविंद, क्वेश्चन है आपको? नो सर। ओके ओके, प्रवीण आपको कोई क्वेश्चंस? ओके, सोहेब आपको कोई क्वेश्चंस? हेलो, नो सर। ओके, मंदा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? वेयर आर यू फ्रॉम? मुंबई। हेलो, थाना डिस्ट्रिक्ट। ओके वेरी, ओके थाना डिस्ट्रिक्ट। यू आर एनवाईबी? आप एनवाईवी हो? हाँ यस सर। ओके वेरी गुड। हाँ यस सर, मैं एक्स एनवाईवी, हाँ मैं एक्स एनवाईवी हूँ थाने का। ठीक है, सो ओके वेरी गुड एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए साइबर क्राइम रिलेटेड, आपका मेरा नंबर है, आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग चाहिए, इसमें हमारे पास सर्टिफिकेशन भी है, आप इसमें करियर भी कर सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। ठीक है, इसमें आपको इस 1-6 मंथ का ड्यूरेशन होता है विथ गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी ये है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है, ये ट्रेनिंग का सेशन देने का मेन मकसद क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें आपको अवेयर करना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों का समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ इफ़ एनी डाउट, लास्ट 2 मिनट में दे रहा हूँ, अगर आपको डाउट है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज यहाँ पर ये सेशन एंड हो गया। एनी वन एल्स, कोई डाउट है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हेलो, प्लीज एनीवन एल्स? हाँ बोलिए मंदप, और हाँ बोलिए। नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, वेरी गुड। ओके ओके, तो फिर मैं सेशन लिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, चलो बाय बाय, टाटा।
बाय सर बाय 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 बाय